हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टीवी स्पेसिफिकेशंस की, स्पेशली डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की। हम यूजुअली देखते हैं कि नए नए टीवीज लॉन्च होते हैं और उसमें काफ़ी सारी हमको जो है स्पेसिफिकेशंस बताई जाती हैं, लेकिन उनका एक्चुअली मतलब क्या होता है, तो आज मैं उस चीज़ को जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो माई नेम इज़ गौरव, दिस इज़ टेक्निकोज एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू इट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्रेश रेट की। रिफ्रेश रेट जो है वो आपने काफ़ी जगह पे सुना होगा, जैसे कि मोबाइल के डिस्प्लेस पे या फिर लैपटॉप्स की डिस्प्ले पे, कंप्यूटर्स की डिस्प्ले पे, मॉनिटर्स की डिस्प्ले पे और आजकल टीवीज की डिस्प्ले पे। तो एक्चुअली रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि एक सेकेंड में आपकी स्क्रीन कितनी बार रिफ्रेश हो सकती है। ज़्यादा बेसिक नहीं था ना? बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में आपकी स्क्रीन जो है वो आपको कितनी इमेजेस दिखा सकती है। वीडियोस जो हमें पता है, इमेजेस होती हैं काफ़ी सारी जो कि एक साथ कंबाइन करी जाती हैं, तो कितनी इमेजेस एक सेकंड में वो दिखा सकता है उसको हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होता है उतनी ज़्यादा इमेजेस वो एक वीडियो में दिखाता है एक सेकंड के अंदर, और उतना ज़्यादा हमको स्मूथ जो है देखने के लिए मिलता है। इसलिए 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट जो मोबाइल डिस्प्लेज में आता है वो काफ़ी एक बेसिक सा होता है, लेकिन 90 हर्ट्ज़ का जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। वैसे ही टीवी में अगर हम 90 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ की बात करें तो यूजुअली टीवी में 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर वो 90 हर्ट्ज़ या फिर 144 हर्ट्ज़ का आता है, जैसे कि सैमसंग के कुछ टीवीज़ में आता है, तो वो गेमिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेजेस वो एक सेकंड में दिखाता है और वो बहुत ही स्मूथ वीडियो एक दिखती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं NTSC परसेंटेज की। पहले तो NTSC होता क्या है? NTSC बेसिकली नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी का नाम है। ये एक ग्रुप था जिसने जो है टेलीविजन की डिस्प्ले पे काफ़ी सारे जो रिसर्च वगैरह करी और थीसिस वगैरह निकाली हैं, और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा स्टफ है। मतलब ये बेसिकली एक कमिटी है जो कि बताती है कि हाँ भाई आपका जो ये डिस्प्ले है वो किस लेवल पर है। और इसमें परसेंटेज का क्या मतलब होता है, क्योंकि काफ़ी सारी डिस्प्लेज में हम देखते हैं जैसे कि 93% NTSC, 70% NTSC, 120% NTSC, तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपली देखा जाए तो जो कलर रेंज है उसको NTSC के उसमें मेजर किया जाता है। मतलब कि जितने भी कलर्स हैं, जैसे कि हमने 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, तो जितने भी कलर्स हैं, जो भी रेंज है सारे कलर्स की, जितने भी शेड्स हैं उन सब की, उसको NTSC में देखा जाता है। और 97% 93% का मतलब ये होता है कि NTSC जितने भी कलर रेंजेस को कवर करता है उसका 93% कलर रेंज जो है वो टीवी डिस्प्ले कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि NTSC सारे कलर्स को जो है कवर करता है, जितना भी NTSC कवर करता है उसका 93% कवर करता है। और इसी में हमको देखने के लिए मिल जाता है 120%। तो 120% का मतलब होता है 100% NTSC का कलर रेंज प्लस मोर। तो हमेशा ज़्यादा जो है अच्छा रहता है, ज़्यादा कलर रेंज हमको देखने के लिए मिलती है, एक ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी डिस्प्ले हमको देखने के लिए मिलती है, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स उसमें देखने के लिए मिलते हैं। और कम का मतलब थोड़ा सा आपको हो सकता है कि एक आध कलर जो है वो हल्के फुल्के डल हों। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो है डल सा टीवी होएगा और कलर नहीं दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि उसमें सारे कलर्स जो हैं वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं DCI-P3 की। ये भी बेसिकली जो है वो कलर रेंज को ही मेजर करते हैं। ये कलर रेंज जो है वो NTSC से थोड़ा कम होता है, 92% के आसपास NTSC का रेंज होता है। तो अगर कोई कहता है कि 80% DCI-P3 और 93% NTSC, तो इसका मतलब जो NTSC का कलर रेंज है उसमें 93% शो करेगा और जो DCI-P3 का है उसका 80% शो करेगा। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि दोनों में ही कम है। इसका मतलब ये जो दो ये जो कलर का रेंज जो कवर करते हैं उनके अंदर इतनी इतनी परसेंटेज का ये डिस्प्ले जो है वो आपको डिस्प्ले कर सकता है, अच्छे से दिखा सकता है प्रॉपरली। नेक्स्ट बात करते हैं निट्स की। तो निट्स बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। निट्स का मतलब होता है ब्राइटनेस, कितना ज़्यादा टीवी जो है आपका ब्राइट हो सकता है, कितना ज़्यादा आपको एक्सटर्नल लाइट के अंदर आपको टीवी क्लियरली दिख सकता है। तो जितना ज़्यादा निट्स होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। यूजुअली हमको टीवीज़ जो है वो 350-400 निट्स की रेंज में अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, बट 250 से लेके 300 तक भी एक अच्छा रेंज रहता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्यूइंग एंगल्स के ऊपर। तो व्यूइंग एंगल जो है वो अपने नाम से ही क्लियरली बता रहा है कि उसका मतलब क्या होता है। व्यूइंग एंगल्स का मतलब होता है कि कितने मैक्सिमम एंगल के बाद आप टीवी की जो डिस्प्ले है वो 100% पे नहीं देख पाओगे। 100% मतलब प्रॉपरली एक प्रॉपर एक्यूरेट डिस्प्ले आप नहीं देख पाओगे। या तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, या तो उस पर कुछ आपको डार्क पैचेस दिखने लग जाएंगे। मतलब बेसिकली आप प्रॉपरली उसको इस एंगल के बाद नहीं देख पाओगे। इस जो मतलब हम यूजुअली व्यूइंग एंगल्स देखते हैं वो देखते हैं 178 डिग्रीज, 180 डिग्रीज,
तो ये फ्रंट से नहीं होता है, साइडवेज होता है। ऑब्वियसली अगर आप फ्रंट से 180 देखोगे तो पीछे से जाके कैसे टीवी देख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो साइड से देखा जाता है कि साइड से 178 डिग्रीज, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 डिग्री के डिफरेंस से आप देख सकते हो। वैसे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, 178 डिग्रीज में तो मुश्किल ही मिलता है। यूजली 178 डिग्रीज क्लेम करते हैं, बट वो 170, 172, 5 ऐसा ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HDR की। HDR हमने काफ़ी जगह पे सुना हुआ है, मोबाइल के कैमराज में, मोबाइल की इमेजेस में, और अब टीवी में HDR, HDR10। तो HDR का फुल फॉर्म तो मतलब होता है कि हाई डायनेमिक रेंज। अब इसको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो हैं, काफ़ी सारे टेक रिव्यूअर्स दिखाते भी हैं कि भाई जहाँ पे कलर ब्लू जो है आसमान का आ जाए, मतलब HDR वर्क कर रहा है प्रॉपरली, और वहाँ पे अगर वाइट आ जाए तो HDR प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो हाँ, काफ़ी हद तक ये सही है। HDR का मतलब ये होता है कि कौन सा एक ब्राइटेस्ट स्पॉट जो आपकी चीज़ जो है वो बिना किसी डिटेल लॉस के उसको कैप्चर कर पाए या फिर उसको डिस्प्ले कर पाए टीवी के केस में, उसको हम HDR कहते हैं, हाई डायनेमिक रेंज। मतलब कि अगर बहुत ही ज़्यादा एक लगा लो ब्लू ही कलर है, जैसे यहाँ दीवार पे ब्लू कलर है, अगर इसको ही हम बहुत ज़्यादा ब्लू ब्राइट कर दें और आपका टीवी उसको वाइट दिखाने लगे, इसका मतलब वो प्रॉपर उसमें हाई डायनेमिक रेंज नहीं है। और उसी तरीके से ब्लैक्स के लिए भी ये कहता है। अब जैसे रेड है, इसको मैं और डार्क करता जाऊँ इतना कि वो बिल्कुल ही ब्लैक दिखने लग जाए, तो इसका मतलब हाई डायनेमिक रेंज नहीं है। जैसे कई बार शैडोज़ में होता है कि कई सारे पेड़ हैं और हमने एक फ़ोटो खींची और पेड़ के अंदर की हमें पत्तियाँ कई उनमें दिखाई देती हैं, लेकिन कईयों में वो सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट सा दिखाई देता है, तो वो हाई डायनेमिक रेंज होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MEMC पर हम आ जाते हैं। MEMC की फुल फॉर्म होती है मोशन एस्टिमेशन मोशन कॉम्पनसेशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब जैसे कि हम किसी भी फास्ट मूविंग चीज़ को कैप्चर करते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं, तो टीवी जो है वो उसको इस तरीके से उसका मोशन जो है वो एस्टिमेट करता है कि अगर वो यहाँ पे है और आपने कैप्चर किया और वो यहाँ से सीधा यहाँ आ गया, तो आपका टीवी जो है वो एस्टिमेट करेगा कि वो यहाँ से यहाँ तक भी आया ही होगा और फिर यहाँ आया होगा और फिर यहाँ और फिर यहाँ आया होगा। तो ये उसने एस्टिमेट किया और फिर यहाँ पे उसने जो है आर्टिफिशियली इमेजेस बनाई, इसको कहते हैं मोशन एस्टिमेशन। और जब यहाँ पे उसने आर्टिफिशियली बनाई, उसको हम कहते हैं मोशन कॉम्पनसेशन। इससे क्या है कि आपको एक झटके से जाती हुई चीज़ नहीं दिखाई देगी, एक स्मूदली जाती हुई चीज़ दिखाई देगी। और अगर MEMC टीवी को सपोर्ट करता है तो एक बहुत ही बोनस पॉइंट होता है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से हमको डिस्प्लेस जो है आजकल स्मूथ देखने के लिए मिलती हैं। आप कई बार देखते भी होंगे कि कई बार आप किसी शोरूम वगैरह में जा रहे हो और वहाँ पे 3-4 ऐसे 10-15 बड़े बड़े टीवीज लगे हुए हैं। कुछ टीवी में जो है आपको नॉर्मल चीज़ें भी जो है काफ़ी स्मूथ दिखेंगी, वो जो ड्रामा व्रामा हो रहा है उसमें, मतलब उसकी सास उसको थप्पड़ थप्पड़ मार रही है, आई डोंट नो, बट मतलब वो थप्पड़ भी ऐसे स्मूथ जा रहा है, तो वो स्मूथ थप्पड़ जो जा रहा है वो MEMC की वजह से जा रहा है। अगर वैसे झटके से चला जाता तो वो MEMC नहीं है उस टीवी में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे वीडियोस का रिकमेंडेशन है, देखना चाहो देख सकते हो। और थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।